राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने विभिन्न राज्यों के 65 लंबित उपचुनावों को बिहार विधानसभा चुनाव के साथ कराने का फैसला लिया है। अलग अलग राज्यों की करीब 64 विधानसभा सीटें खाली हैं और इनमें मध्यप्रदेश की 27 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। लोकसभा की एक सीट भी खाली हुई है, जहां आयोग ने बयान में कहा है कि एक साथ चुनाव कराने के बड़े कारण है केंद्रीय बलों के आवागमन में सुगमता और साजो सामान से जुड़े मुद्दे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है, वहां चुनाव भी अक्टूबर और नवंबर में कराए जाने की संभावना है और ऐसे में सभी उपचुनावों को बिहार विधानसभा चुनाव के साथ कराने का फैसला लिया गया है।